स्टेट अभ्यर्थियों का आज पटना बीएसईबी बोर्ड के सामने प्रदर्शन हुआ और अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड में सुधार की मांग की। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि अभ्यर्थियों की संख्या कम को देखते हुए उच्च अधिकारी मिलने से बचते नजर आए, और जब तक उच्च अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला नहीं होने वाला। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले कल प्रातः 11 से 12 के बीच में बीएसईबी बोर्ड पहुंचकर अभ्यर्थी ज्ञापन देंगे और अभ्यर्थियों की संख्या इस बात को ऊपर तक पहुंचाने में एक बड़ा योगदान रखेगी। ऐसे में भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे कल प्रातः 11 से 12 के बीच में बीएसईबी बोर्ड अभ्यर्थी पहुंचेंगे और ज्ञापन देंगे इस संबंध में कि जब एडमिट कार्ड में त्रुटि जो बीएसईबी बोर्ड की वेबसाइट की गलती के कारण हुई है तब अभ्यर्थियों को एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 साल के बाद टीईटी परीक्षा होती है। ऐसे में अभ्यर्थियों की क्या गलती है और उनको किस बात की सज़ा दी जा रही है, आइए हम आपको एडमिट कार्ड में त्रुटि से संबंधित अभ्यर्थियों का हंगामा दिखाते हैं। अभ्यर्थी बीएसईबी बोर्ड पहुँचे और नारेबाजी की, पर उच्च अधिकारी जो बड़े अधिकारी है वो मिलने से बचते नजर आए क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या कम थी और एकजुटता की कमी भी थी। ऐसे में कल प्रातः 11 से 12 के बीच में शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले फिर से अभ्यर्थी इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला हो और अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड सुधार के बाद परीक्षा में फिर से मौका मिले। आइए हम आपको वीडियो से रूबरू कराते हैं कैसा हंगामा था, आप भी देखें। अरे बोलिए बोलिए, जोर जोर से बोलिए, परीक्षा समिति हाय हाय, परीक्षा समिति हाय हाय। हाँ रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग परीक्षा समिति हाय हाय, एडमिट कार्ड जारी करो, जारी करो। तीन लोग उस साथ घर जा रहे हैं, उस घर जा रहा ठीक है, भेज दे रहे हैं चुपके से, ठीक है सर, भेज दे। भैया सब हट गए हैं।
भैया पीछे रहिए ना, यूट्यूब वाला के भैया खुलाओ उसको। अरे हाँ भैया बैठिए, एट ए टाइम होना चाहिए, मांगे पूरी को जी करना है। हाँ तो आई कर रहे हैं, कुछ नहीं कॉमन क्वेश्चन है, कंक्लूजन यही है कि आपको साइड ओपन। ऐसे में अभ्यर्थियों से निवेदन है कि कल प्रातः 11 से 12 के बीच में बीएसईबी बोर्ड पहुंचे और अभ्यर्थी आवेदन जो शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से बीएसईबी बोर्ड पटना को दिया जाएगा एडमिट कार्ड में त्रुटि सुधार को लेकर उसमें अपना नाम दर्ज कराएं। अब देखना यह है कि कल उच्च अधिकारियों से बैठक के बाद क्या नतीजा निकल कर आता है। उम्मीद ये है कि कल उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई बड़ा बयान जरूर जारी होगा। शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।